गांव में भी हम रोके रोके दिन निकाला। गांव में गए, अभी इतने लोग साथ में रहते तो कौन किसी गए। बहुत मेरी जेठानी झगड़ा करती थी, मेरे को बोलती थी अलग रह जा। मैं बोली मैं अलग रखी क्या, गुखा क्या खाएगी मैं अलग रहूं मैं क्या खा सकती। तभी मैं इधर वापस आई। अभी सब लोग का खाना पीना, अभी बच्चे लोग है मांगते नाश्ता पास्ता, तो पैसा नहीं होगा तो मैं कहाँ से दे सकती हूँ। एक टाइम खाओ एक टाइम मत खाओ। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। नहीं ऐसा दिन देखने का कभी सपना भी नहीं देखा था सर, लेकिन क्या किधर से मुसीबत आ गए पता नहीं। कोविड के पहला बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन कोविड के बाद बहुत परेशानी में आ गया सब। टिफिन का भी प्रॉब्लम हो गया सर। मैं 40 डब्बा जब भी पहुँचाता था, जब भी मेरे को 20-22 हज़ार रुपये मिल जाते थे सर, लेकिन अभी 4-5 डब्बा है तो 4-5 हज़ार ही मिल जाता है, उसमें क्या परवड़ेगा। जैसे कि किसान लोग आत्महत्या कर रहे, वही मुसीबत हमारे कोई कोई भाई लोगों के ऊपर सच्ची में यही मुसीबत आ जाएगी। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं नाम। कम से कम रोजाना 2 लाख टिफिन जाता था, कम से कम 4,500 से 5,000 लोग काम करते थे। 1 बजे के पहले ऑल मुंबई में टिफिन पहुँचना चाहिए, वही सबसे काम चलता था। अभी कोविड के बाद जब ये स्टार्ट हो गया 250-300 लोगों के साथ, तो कम से कम 4,500 है, 4,000 उसके ऊपर लोगों का रोजगार गया है। अपना डब्बे वालों का 130 पुराना नाम है और इतना टॉप नाम, क्योंकि ये नाम के वजह से हम लोग बम्बई में और बम्बई के बाहर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। जब भी लॉकडाउन हो गया ना, उसके बाद अभी यहाँ रह के क्या करेगा, तो थोड़ा बहुत बोले गांव में जाके आवे, तो मैं 3-4 महीना गांव में निकाला और कैसा बहुत मुसीबत में था। मैं दूसरे से इधर उधर से पैसा ले है कि ये 9 महीना गुजार लिया, लेकिन उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए मैं वापस ये डब्बा का काम चालू किया है। जो 4 टाइम खाता था उधर अभी 2 ही टाइम हो गए। अभी आगे देखो ऐसा चलेगा तो वो 1 ही टाइम पर आ जाएगा और मुसीबत बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। जो जिधर 2 भाजी बनता था अभी उधर 1 ही भाजी बनता है, उसी में टाइम पास भी खा के दिन निकल रहा है, इतना मुसीबत आ गया। लॉकडाउन के टाइम में 1 लाख रुपए लिया मैंने कर्जा, तो वो कर्जा से वजह से अभी अभी हम 9 महीने में कुछ प्रॉब्लम मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी थोड़ा तकलीफ हो रहा है। सामने वाला ही बोल रहा है अभी आप काम चालू होगा तो मेरा जो कर्जा लिया है वो थोड़ा थोड़ा रिटर्न कर दो, अभी वो भी लेना पड़ेगा ना। अभी कर्जा नहीं लेगा तो खाएंगे क्या। जिधर 4,000-40,000 मिलता था उधर 5,000 मिल रहा है, तो कम से कम 35,000 रुपये लॉस है ना, तो कर्जा तो होएगा ना, खाना तो कम हुआ नहीं। आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके, कहे इसको बिजनेस। एक चीज कहे कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे। मैं जब गांव से आया तो बिजली का बिल भरने का था, लाइट वाले को पैसा किराया भाड़ा उनको देने था वो सर, और मेरा इधर आके मेरे जेब में सिर्फ गांव से आया तो मेरे जेब में 1,000 रुपये था। मैंने अपने औरत का जो जेवर था और मेरे पास भी कुछ जेवर था वो मारवाड़ी के पास जाके गिरवी रखा, 3 रुपये टक्का से वहाँ से ब्याज पे पैसा उठा लिया। इधर आके हाथ में कुछ काम नहीं है कुछ नहीं है, तो 2 महीने हमने वही पैसे में से थोड़ा बहुत राशन पानी खरीद करके वही महीने से घर चलाया। उनका काम बंद, मेरा भी काम बंद, सेठ लोग नहीं ले रहे कोरोना के वजह से। हम लोग ने अभी इधर 8,000 भाड़ा, गांव में 2-3 महीना गए रह गए, पर भाड़ा तो देना ही पड़ा ना भर के, वो लोग थोड़े नहीं लेंगे। अभी उनको भी काम नहीं आदमी को, तो अभी हम लोग को नहीं लगता है, औरत को नहीं लगता है मेरा डागिना रखो, किसी को लगता है क्या ऐसा, मेरे को लगेगा। पर अभी मुसीबतें ऐसी आई तो क्या करेंगे, बच्चे लोग को तो भूखा नहीं रख सकते, हम लोग भी तो नहीं भूखा रह सकते।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी जैसे कि मुंबई में तो सद्या कॉलेज स्कूल बंद है, कॉलेज स्कूल बंद होने की वजह से ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास मोबाइल्स नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, इनकम नहीं होने की वजह से, जैसे कि माँ बाप अच्छे कमाते नहीं है या अच्छी नौकरी पर नहीं है, तो वो कैसे कर सकते अपने बच्चों की पढ़ाई। एक पल के लगा था कि अभी मेरा 12 भी होगा कि नहीं, ऐसा लग रहा था, क्योंकि फीस भरनी रहेगी, कॉलेज अगर चालू हो गया तो फीस भी कैसे भरेंगे, 9 महीने तो काम भी नहीं था मम्मी डैडी को। अभी हम लोगों ने हमारे लोगों को भी मदद की है, बाकी जिन जिनको ज़रूरत रहती थी, जो भी हम लोगों को पॉसिबल होता था, जो कुछ NGO आके मदद करते थे हम लोगों को पहुँचने का काम, या हमारे मंडल के पास से कुछ लोगों के लिए डोनेशन के स्वरूप पे भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया था। अभी कम से कम 50-50 साल तक के 80 साल तक काम करने वाले लोग भी डब्बे वाले में थे, वो भी अभी घर पे बैठे, और उन जो 80 साल के 50 साल के जो लोग हैं उनके ऊपर ही उनका घर चलता था। तो इसलिए हम लोगों ने अभी नया सोच ऐसा करा है कि जैसा भी पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी डिलीवरी सब्जी का और कोई भी आ सकता है, जो पॉसिबिलिटी हो सकता है डब्बे वाले के लिए करने के लिए, वो करने की सोच रहे हैं। इसलिए हम लोग नया तरीका रोजगार उपलब्ध करने के लिए आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।